राम राम दोस्तों, खेत खिलान चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे गेहूं की फसल में किस समय कौन से एनपीके का स्प्रे करें। दोस्तों, फसल को अनेक अवस्थाओं में अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों का दोस्तों अलग अलग अवस्थाओं में अपना अलग अलग कार्य होता है। जैसे पोटास का दाने भरने के समय अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, इसी तरह से फॉस्फोरस की दोस्तों पल्ले बनने के समय और बालियां बनने के समय अधिक आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आवश्यकता पौधे को बढ़ावा के लिए ज़्यादा पड़ती है, इसलिए हम अलग अलग अवस्था में अलग अलग तत्वों या एनपीके का स्प्रे करना चाहिए। हमें किस समय कौन सा स्प्रे करना चाहिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एनपीके क्या है। दोस्तों एनपीके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास का एक मिश्रण होता है। यह स्प्रे के लिए और मिट्टी में मिलने के लिए दोनों प्रकार से बाजार में उपलब्ध होता है। स्प्रे में प्रयोग होने वाले एनपीके 1 किलो की मात्रा बाजार में देखने को मिल जाती है दोस्तों, और खाद के रूप में प्रयोग किए जाने वाले एनपीके की 50 किलोग्राम की बोरी आपको बाजार में देखने को मिलती है। जैसे एनपीके 12-32-16, एनपीके 16-16-16 और स्प्रे वाले एनपीके में आपको दोस्तों एनपीके 19-19-19, एनपीके 00-52-34, एनपीके 00-00-50, एनपीके 13-00-45 और एनपीके 12-61-00 आदि प्रमुख एनपीके की फार्म आपको बाजार में देखने को मिल जाती है। दोस्तों गेहूं में अलग अलग अवस्था में अलग अलग एनपीके का इस्तेमाल किया जाता है। गेहूं की प्रारंभिक अवस्था में हमें एनपीके 19-19-19 का प्रयोग करना चाहिए। इस एनपीके का प्रयोग आप 40 दिन की अवस्था तक कर सकते हैं। 40 दिन से 60 दिन तक आप अपनी गेहूं की फसल में एनपीके 12-61-00 का स्प्रे करें। 60 से 90 दिन की जब आपकी गेहूं की फसल हो जाए तो उसमें एनपीके 00-52-34 का स्प्रे करें। बालियां निकलने के बाद आप एनपीके 00-00-50 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों इन तरीकों से एनपीके का अपनी गेहूं की फसल में इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका आपकी फसल को पूरा लाभ देखने को मिलेगा। पल्लों के फुटाव के साथ साथ अच्छी पैदावार भी मिलेगी, क्योंकि फसल को जिस समय जिस खाद की आवश्यकता होती है उसके हिसाब से दोस्तों इन एनपीके को बनाया जाता है, उसके हिसाब से ही इनका प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।